वालेकुम आप देख रहे हैं अलिनाज़ कुकिंग यूट्यूब चैनल और आज हम बनाएंगे पनीर पैन पिज़्ज़ा. तो उसके लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो ये है सबसे पहले हम पिज़्ज़ा बेस बना लेते हैं उसके लिए मैंने लिया है टू टी स्पून ईस्ट वन टी स्पून शुगर है और वन टी स्पून नमक है और नीम गर्म पानी लेंगे वाम वाटर लेंगे हम एक बाउल लिया है मैंने इसमें हाफ कप वार्म वाटर डालेंगे ईस डालेंगे हम टू टी स्पून शक्कर डालेंगे हम वन टी स्पून और इसको हम मिला कर रख देंगे पाँच मिनट के बाद देखिए कितना अच्छा हो गया ये अब इसके अंदर हम दो तो कप मैदा डालेंगे मैदा डालने के बाद इसके अंदर हम वन टी स्पून नमक डालेंगे और इसको अच्छी तरह से हमने गूंद लेना है गुनने के बाद इसको क्लीम रैप लगा के एक घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे अभी पिज़्ज़ा सॉस बनाएंगे इंस्टेंट पिज़्ज़ा सॉस बनाएंगे हम इसके लिए मैंने लिया है स्वीट चिली सॉस टमेटो केचप और चिली गार्लिक सॉस एक बाउल लिया है मैंने इसमें लेंगे हम वन फोर्थ कप चिली गार्लिक सॉस हाफ कप लिया है मैंने स्वीट चिली सॉस और हाफ़ कप लेंगे हम टमेटो कैचअप अब ये तीनों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे पनीर को हम मैरिनेट करेंगे टू फिफ्टी ग्राम्स मैंने लिया है पनीर उसमें हम डालेंगे नमक चाट मसाला काली मिरी पाउडर और रेड चिली पाउडर और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके लेंगे अभी पिज़्ज़ा के ऊपर की टॉपिंग ली है मैंने स्वीट कॉर्न लिया है रेड कलर की शिमला मिर्ची है येलो कलर की शिमला मिर्ची है प्याज़ लिए मैंने स्लाइस की हुई टमाटर को स्लाइस किया है और ग्रीन शिमला मिर्ची है चीज़ लेंगे और हम पनीर लेंगे सॉस हमारी रेडी हो गई है पिज़्ज़ा की अभी डो को हमारे को एक घंटा हो चुका है रेस्ट करा के इसको हम पहले इसका एयर निकाल लेंगे पूरा हाथों से अच्छी तरह से और इसको दो हिस्से में हम अभी डिवाइड कर देंगे दो हिस्से में डिवाइड करके इसको वापस राउंड शेप में कर कर दोनों को राउंड शेप में कर कर इसको वापस से हमने आधे घंटे के लिए रेस्ट करने रख देना है क्लीम रैप लगाकर आधे घंटे बाद वापस राइज हो गए अभी हम डो को थोड़ा सा हम सूखा मैदा डालेंगे उसके बाद इसको हाथों की मदद से फ्लैट कर लेंगे इस तरह अभी हमने पैन में मस्का ग्रीस किया है अभी ये पूरी तरह से इसको फ्लैट कर देंगे डो को हम एक फोक लेंगे और इस तरह से हमने उसको कर देना है और उसको ढककर हम 10 मिनट के लिए पकाएंगे अभी इसको पलटी करेंगे और टर्न करने के बाद इसको फिर पाँच मिनट के लिए हमने पकाना है पाँच मिनट हो गए अभी पिज़्ज़ा को असेंबल करेंगे सबसे पहले पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे उसके बाद पनीर को ग्रेट करके डालेंगे चीज को डालेंगे ग्रेट करके उसके बाद टमाटर डालेंगे हम जो हमने स्लाइस में कट करके रखे थे शिमला मिर्ची है येलो कलर की रेड शिमला मिर्ची डालेंगे हम ग्रीन वाली शिमला मिर्ची डालेंगे कॉर्न डालेंगे ऑनियन डालेंगे स्लाइस किया हुआ ब्लैक ऑलिव डालेंगे और हर्ब्स डालेंगे हम थोड़ा ऊपर से स्प्रिंकल कर देंगे फिर चीज़ को वापस से हमने ग्रेट करके डालना है और जो पनीर को मैरिनेट किया था और उस, उसके ऊपर पनीर डाल देंगे उसके क्यूब्स डाल देंगे इसके ऊपर अभी इसको हमने 12 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पे ढककर पका लेना है 12 मिनट बाद देखिए कितना अच्छा हो गया है माशाल्लाह ये अब इसको मैं कट करके दिखाती हूँ आपको देखो कितना अच्छा माशाल्लाह पिज्ज़ा बन के हमारा पैन पिज़्ज़ा बन के तैयार है ओवन की ट्रे पे भी मैंने एक पिज़्ज़ा डो लेके फ्लैट कर दिया और उसको फोक की मदद से इस तरह कर लेंगे उसके बाद उसके ऊपर पिज्ज़ा सॉस लगाएंगे पनीर को ग्रेट करके डालेंगे इस तरह से थोड़ी चीज़ डालेंगे ग्रेट कर कर चीज के बाद इधर मैंने क्रीम चीज़ सॉस ली है वो डालेंगे इसके ऊपर फिर टमाटर लगा लेंगे स्लाइस में जो कट किए हुए हैं शिमला मिर्ची लेंगे हम येलो कलर की वो लगा देंगे रेड वाली शिमला मिर्ची लगाएंगे ग्रीन वाली शिमला मिर्ची डालेंगे कॉर्नस डालेंगे ऑनियंस डालेंगे स्लाइस किए हुए प्याज ऑलिव्स लगा देंगे ब्लैक कलर के है ये औरगेनो हर्ब्स लेंगे उसको स्प्रिंकल कर देंगे फिर वापस से थोड़ी चीज हमने डालनी है ऊपर से ग्रेट कर कर पनीर जो मैरिनेट करके हमने रखे थे क्यूब्स में वो डाल देंगे अभी इसको ओवन में प्री हीटेड ओवन है मेरा टू हंड्रेड डिग्री पे मैंने प्री हीट किया हुआ है इसको पाँच मिनट अब इसको ओवन में हम बीस मिनट के लिए बेक कर लेंगे